दोस्तों, अगर आपको सर्कुलेशन के अंदर 5 रुपए एक सिक्का मिल जाए और उसके बदले में आपको मिल जाए पूरे 60,000 रुपए, कैसा लग रहा है? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सच भी है और हो सकता है ये सच आपके साथ में भी हो जाए। तो चलो गाय, जानते हैं पूरा डिटेल में आखिर वो कौन सा सिक्का है जो दिला सकता है आपको पूरे 60,000 रुपए तक। तो बात सीधी सी है, कोई भी सिक्का, नॉर्मल सिक्का तो आपको 60,000 दिला नहीं सकता है। ये सिक्का है एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन। इस सिक्के को जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये 5 सिक्के, जिनमें सबसे पहला सिक्का है 50 पैसे का, उसके बाद में 1 रुपए का थम्स का सिक्का है, तो दूसरा सिक्का है 2 रुपए का नर्ते मुद्रा कॉइन, वहीं पे ये है 5 रुपए का सिक्का जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉइन, और नेक्स्ट सिक्का है 10 रुपए का सिक्का। ये पांचों सिक्के जारी होने थे सर्कुलेशन के लिए, लेकिन 5 रुपए और 10 रुपए के दोनों सिक्कों की सेम साइज होने की वजह से, सेम पैटर्न होने की वजह से ये दोनों सिक्कों को सर्कुलेशन में नहीं लाया गया। इस सिक्के का सर्कुलेशन में नहीं आने का एक रीजन ये भी है कि 5 रुपए के इस सिक्के की वैल्यूएशन के हिसाब से इस सिक्के में यूज होने वाला मेटल सिक्के की वैल्यूएशन से ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, जिसकी वजह से भी ये 5 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में नहीं लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे, जब ये सिक्के सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए गए तो मिलेंगे कहाँ से? तो हम जिस सिक्के की बात कर रहे हैं ये है एक पैटर्न कॉइन, और पैटर्न कॉइन कभी कभी किसी गलती की वजह से या फिर कोई दूसरा सेम सिक्का जारी होने के टाइम पे सर्कुलेशन के लिए रिलीज हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही सिक्के आपको भी मिल सकते हैं सर्कुलेशन के अंदर, और ऐसा सिक्का अगर आपको मिल जाता है सर्कुलेशन में, तब आपको इस सिक्के को वेरीफाई करने के लिए इस सिक्के का देखना है रिवर्स साइड। वहां पे आपको ऊपर में देखने को मिलेगा 5, उसके अंदर आपको EX मतलब एक्सपायरमेंटल कॉइन, वहीं पे एक साइड में आपको हस्त मुद्रा बनी हुई है 5, जो पूरा पंजा बना हुआ है, उसके नीचे आपको रुपए हिंदी में और उसके नीचे आपको रुपीज इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, उसके नीचे आपको बॉम्बे का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जो कि हर एक सिक्के में आपको मिलता है ओवर साइड में देखने को मिंटियर के नीचे। सिक्के में आपको ये मिंट मार्क देखने को मिलेगा रिवर्स साइड में रुपीज के नीचे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इस सिक्के के ओवर साइड के, तो ऊपर में आपको भारत इंडिया हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ मिलता है, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलती है, उसके नीचे अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के नीचे आपको सत्यमेव जयते, और वहाँ उसके नीचे फिर से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके नीचे आपको मिंटियर सिक्के का देखने को मिलता है जो कि है 2004। 2004 के नीचे आपको इस सिक्के में सिक्के का मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस सिक्के को वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास में ये सिक्का होता है, आपको मिल जाता है, तो आप इस सिक्के को नंदू जाट RJ23 इंस्टाग्राम पे शेयर करके सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।